इस गायत्री परिवार के परिसर में बैठे तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ सबसे बड़े बधाई के पात्र तो ये प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ वाले हैं, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी है जहां न सिर्फ लोग अपने लिए एक नई प्रेरणा लेते हो, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास भी उत्पन्न करते हो जो जिंदगी में उन्हें सही और गलत का चयन करने में हमेशा दृढ़तापूर्वक उनका साथ देती। तो इस बात के लिए यहाँ तमाम युवा प्रकोष्ठ से जुड़े तमाम भाइयों को एक बार मेरा धन्यवाद। वैसे तो मैं बहुत दिनों से सोचता था कि यहाँ आऊं, मुझे कहा भी बहुत बार गया था, पर कुछ ऐसी व्यस्तता हो जाती जिसके वजह से समय नहीं मिलता था। कल रात में मुझे मालूम नहीं था, कल रात में जब मैं लौटा तकरीबन 10:30 हो रहा होगा, वो कहते लौटा तो मेरे एक सहयोगी ने बताया कि वो गायत्री परिवार वाले लोग फोन किए थे, वो कह रहे थे आने के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ कल सुबह मैं टाइम निकाल लूंगा, वैसे काम तो कभी खत्म नहीं होती, बट मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी कि मैं भी आकर के इस कार्यक्रम के देखूं। मुझे नहीं विश्वास लगता था कि इतने सारे भाई लोग आते होंगे यहाँ पे, बट अभी यहाँ आकर के ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आए हैं, और न सिर्फ आए हैं बल्कि यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ संकल्प के टर्म्स में लेके जाएंगे। यहाँ जैसा कि अभी अभी मनीष जी ने बताया कि ये भी एक कोचिंग क्लास है जिसके संचालक ये सभी प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ वाले हैं। तो ये सही मायने में मैं कहूं तो हमारी जो कोचिंग क्लास है उनसे बड़ी इनकी कोचिंग क्लास है। इसलिए कि हमारे साथ तो प्रेशर रहता है कि एक दिए हुए सिलेबस को लिमिटेड समय में फिनिश करना है, इनके साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। इनका जो सिलेबस है वो है चरित्र निर्माण का, और इस सिलेबस में जो पारंगत हो गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी सीखता हो, मैथ्स नहीं भी सीखता हो, बायोलॉजी नहीं भी सीखता हो, फिजिक्स नहीं भी सीखता हो, तब भी अपनी जिंदगी में कामयाबी का परचम हो जाए। अक्सर क्लास में होते वक्त मैं हमेशा ये फील करता हूं यार, जो बच्चे आ रहे हैं बिहार के वेरियस हिस्से से, डिफरेंट पार्ट से, उनके अंदर भटकाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग क्लास में अपना जी तोड़ कोशिश तो करते हैं, उनको टर्न अप करने का कोशिश तो करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में लौटे, उनके अंदर भटकाव कम से कम हो, लेकिन उतना समय हमारे पास भी नहीं होता है। बिकॉज जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं तो उतना समय नहीं होता है, फिर भी मैं क्लास में 2-4-5 मिनट 10 मिनट डेली इस बात पे काफी एम्फसिस करता हूँ कि आप पहले एक बेहतर इंसान को बनो, अगर वो बन गए तो इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत पीछे वाली चीज हो जाती है। वही बनना हमारे जीवन की एकमात्र उपलब्धि होती है कि लोग हमें हमारे सत्कर्मों के लिए जाने, हमारे बुरे कर्मों के लिए नहीं जाने। और मैं आया हूं तो मैं एक सारे बैठे भाइयों से संकल्प लेना चाहता हूं कि आप लोग इंजीनियर डॉक्टर बनो ना बनो, एक साथ मेरे साथ संकल्प लो कि आप लोग सम्मान के रास्ते पे जरूर चलेंगे, साथ साथ अपने जीवन में बेहतर इंसान बनके सामने वाले को एहसास दिलाएंगे कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्या सब तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? नहीं कुछ पता था कि कैसा होगा यहाँ का
सूर्य नमस्कार शायद इन लोगों ने नाम रखा है, वो ये कैसा होता होगा इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी इतने युवाओं को एक साथ बैठा देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और थोड़ा देर पहले जो मनीष जी ने कहा था कि विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत के युवा जग जाएं, भारत के युवा सत्मार्ग पे चलने को अपने को प्रेरित कर लें, तो फिर से एक बार हम दुनिया में जगत गुरु वाला जो ताज है वो हमारे हिस्से चलाएगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। हमारे एक भारतीय मूल के ही फिलहाल रहते थे भारत में, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो उन्होंने कुछ एक्सचेंज की बातें कही थी कि भारत अमेरिका या भारत और विश्व के अन्य विकसित देशों के साथ इसी तरह की व्यवस्थाएं हो जिससे भारत की तरक्की होगी, उसपे एक लंबी बहस छिड़ी थी। तो अमर्त्य सेन बहुत ही हाल फिलहाल में ही 2-4 वर्ष पहले ऐसा बोल रहे थे, और जो अमर्त्य सेन एक नोबेल प्राइज विनर हैं उनकी जो भावनाएं थी वो भी इतनी विकसित नहीं थी जितना विवेकानंद ने आज से 100 साल से ज्यादा पहले कर दिया था। उनकी उनकी वाक्यों की तुलना विवेकानंद के उन वाक्यों से हो रही थी। विवेकानंद ने कहा था कि हम दुनिया को आध्यात्म देंगे, बदले में वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे। और विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हमारे युवा अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाएं, साथ साथ अगर उनके अंदर एक अच्छी शारीरिक क्षमता होगी, दृढ़ निश्चय होगा, तो उनकी बौद्धिक क्षमता भी अपने आप विकसित हो जाएगी। तो आप न सिर्फ इसको बैठ करके सुने, अच्छी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, मुझे काफी अच्छा लगा है, इससे प्रेरणा लें और एक संकल्प जरूर लें कि आप भी अपनी क्षेत्र में, क्षेत्र तो बनाना होता है, अपने डिजायर के क्षेत्र में आप भी अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छी पहचान करें। आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आकर के अपने कुछ विचारों को आपके सामने रखने का अनुभव मिला, और साथ साथ प्रज्ञा जी और प्रकोष्ठ को भी हम अपने तरफ से आग्रह करेंगे कि वो ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित करते रहें, और एक बार मैं आया हूं फिर अगली बार आऊंगा इसी कामना के साथ।